आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का हलवा। इस हलवे को दो तरीके से बनाया जाता है, एक जिसमें दाल को भून के पीस के हलवा बनाया जाता है जिसका कलर डार्क होता है, और दूसरा जो ऑथेंटिक बनता है जिसमें दाल को पानी में भिगो के और एकदम मुंह में घुल जाने वाला हलवा बनाया जाता है। तो मैं ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कितनी देर आपको इस हलवे को पकाना है वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की मज़ेदार और टेस्टी मूंग दाल के हलवे की रेसिपी को शुरू करते हैं। मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए एक कप मूंग की दाल ले लेंगे। बिना छिलके वाली मूंग दाल का इस्तेमाल करें। तो मूंग दाल को हमें पहले पानी में भिगो के रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में मूंग दाल डाल दिया है, इसमें हम पानी डालेंगे और 3 से 4 घंटे तक इसे भिगो के रखें। हलवा बनाने के लिए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं मूंग की दाल नापने के लिए, आपको वही बर्तन यूज़ करना है सारा मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने दाल में पानी डाल दिया है, इसे मैं ढककर 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख रही हूँ। तो यहाँ पर 4 घंटे हो गए हैं, दाल जो है अच्छे से फूल गई है। दाल को हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। आप चाहें तो इसे रात भर भी भिगो के रख सकते हैं, या फिर आप जल्दबाजी में हैं तो 1 घंटे के लिए इसे गुनगुना पानी में भिगो के रख दें। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है, अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेंगे। आप चाहें तो मूंग दाल का हलवा बिना भिगोए भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप इस तरीके से हलवा बनाते हैं तो हलवा जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा सा पानी डाल के दाल को पीस लेंगे। ध्यान रहे कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करें। जार का ढक्कन लगा के इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने दाल को पीस लिया है। दाल का बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाएं, इसे हल्का दरदरा रखें, इससे हलवा जो है ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बर्तन में 2.25 कप दूध गर्म किया है। गैस का फ्लेम तेज़ रखेंगे और दूध में एक उबाल आ जाने दें। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो 1 कप दाल के लिए 1 कप चीनी का इस्तेमाल करें। जितना आप दाल इस्तेमाल कर रहे हैं सेम क्वांटिटी में आप चीनी डालें। चीनी डालने के बाद गैस का फ्लेम धीमा कर ले और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट दूध को पकने दे। तो यहाँ पर हमने दूध को चीनी के साथ पका लिया है। गैस का फ्लेम यहाँ ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके एक पैन रखा है, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। ड्राई फ्रूट्स इसमें आप अपने पसंद के कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 से 8 काजू और बादाम लिए हैं, इन्हें कट कर डाला है। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और धीमी आंच पर इन्हें 1/2 से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये हल्के फ्राई हो जाए हम इन्हें निकाल लेंगे। सेम पैन में अब हम 1/4 कप घी गरम करेंगे। तो 1 कप मूंग की दाल के लिए 1 कप घी का इस्तेमाल करें। ये जो घी बचा है इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यदि आप 1 कप मूंग की दाल के लिए 1 कप घी इस्तेमाल करते हैं तो उससे हलवा जो है ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जैसे ही घी गरम हो जाएगा हम इसमें ये मूंग की दाल डाल देंगे जो हमने पीस के रखी है। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और धीमी आंच पर इसे 15 से 20 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन में दाल डालने के बाद ये चिपकने लगता है, तो कोशिश करें कि आप नॉनस्टिक पैन का ही इस्तेमाल करें। 10 से 15 मिनट दाल को भूनने के बाद इसका टेक्सचर ऐसा दिखेगा। हमें इसे और थोड़ी देर पकाना है, तो गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और 5 से 7 मिनट इसे और पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं और 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो हमने यहाँ पर अभी तक टोटल 1/2 कप घी का इस्तेमाल किया है। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और धीमी आंच पर इसे पकने दें। तो हमें हलवे को तब तक पकाना है जब तक कि इसका टेक्सचर एकदम दानेदार नहीं हो जाए। तो जब तक हलवा पक रहा है मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच सैफ्रन कलर लिया है, इसे गर्म दूध में डाल देंगे। इसे मिक्स करके अलग रख देंगे। सैफ्रन कलर डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, हलवे का हल्का कलर चेंज हो जाए इसीलिए मैंने सैफ्रन कलर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं हलवे को पकाते हुए। तो शुरुआत में जब हमने मूंग की दाल का पेस्ट डाला था तब ये चिपचिपा था, और अब आप देख सकते हैं कि दाल जो है दानेदार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने दाल को टोटल 22 मिनट भूना है धीमी आँच पर। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध की जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप मूंग की दाल के लिए 2.25 कप दूध और 1 कप चीनी का इस्तेमाल करें। दूध की जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध में बना हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और धीमी आंच पर इसे 14 से 15 मिनट पकने देंगे।
दूध में हमने जो सैफ्रन कलर मिक्स करके रखा था वो डाल देंगे। तो दूध डालने के बाद आराम से इसे 14 से 15 मिनट लगते हैं धीमी आंच पर पकने में। अब हम ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। गैस का फ्लेम धीमा रखें और इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे हलवा पकता जाएगा वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा। आप चाहें तो किनारों पर 1 से 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। घी डालने से हलवा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और ये जल्दी से पैन छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पर ये मैंने 2 चम्मच और घी डाला है। यदि आप हलवे में ज़्यादा घी नहीं पसंद करते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो जैसे जैसे हलवा पकता जाएगा वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा। हमें हलवे को तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन से खुद ही अलग नहीं होने लगे। तो यदि आपको गीला हलवा पसंद है तो आप यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, और यदि आपको थोड़ा ड्राई टेक्सचर पसंद है तो आप इस टेक्सचर आने तक पकाइए। तो दूध डालने के बाद हमें हलवे को पकाते हुए कुल 15 मिनट हो गए हैं धीमी आंच पर। गैस का फ्लेम हम यहाँ ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मूंग की दाल का हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवे का कलर डार्क नहीं आया है क्योंकि दाल को हमने नहीं रोस्ट किया था, लेकिन यदि आप दाल को रोस्ट करके बनाते हैं तो हलवे का कलर डार्क आएगा। तो मुंह में घुल जाने वाला हलवा जो होता है वो यही है। और यदि आप इस तरीके से मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं तो ये आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो आप इस सुपर टेस्टी मूंग की दाल के हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी प्लीज़ क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलें।